चेयरमैन साहब भी वैसा ही कर दे करके राष्ट्रपति जी सर, इसको इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूँ। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी, संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कन्फ्यूजन होता द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, इसमें माफ़ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन शब्दों से मैं ज़्यादा वाकुफ नहीं। वी कैन हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस इफ यू वांट। पार्डन, वी कैन हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस कि द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी क्या है। नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो दो वेद पढ़े सो पंडित है, उसी लिए द्विवेदी बोलते हैं। त्रिवेदी तीन वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो चौथा वेद पढ़े सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है, उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं, क्योंकि आरएसएस का थोड़ा बैकग्राउंड उनको नहीं है। लेकिन इधर इधर जब बीजेपी में आए तब से है वो जरा आरएसएस की बहुत तारीफ करते रहते हैं, मोदी साहब की बार बार तारीफ करते रहते हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।